हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और कितने को पता भी नहीं होता है कि हमारे गार्डन में ये प्लांट है। तो अगर आपको नहीं मालूम है और आपके गार्डन में ऐसा प्लांट है तो आप जरूर जानिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सदाबहार के बारे में। इसका नाम सदाबहार है, ऐसा है। इसका नाम नयनतारे और बारहमासी भी है। बारहमासी इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये बारह महीने फूल देते रहते हैं और इसे बस थोड़ी सी पानी की जरूरत होती है। ये ज़्यादा पानी भी नहीं खोजता, बस ज़्यादा इसमें आपको समय भी देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो इसका नाम सदाबहार है और ये इसमें पिंक पिंक कलर के ये पांच पत्तेदार फूल आते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसे व्हाइट कलर में भी आता है, लेकिन मेरे पास अभी ये पिंक कलर में ही है तो मैं पिंक कलर की ही बात करूंगी। तो इसके फायदे बताती हूँ मैं। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी को बवासीर है इसमें भी उपयोग किया जाता है। अगर किसी को कैंसर है इसमें भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी पत्तियां भी डायबिटीज में उपयोग में लाई जाती हैं। अगर किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हैं, कि फोड़े फुंसी हैं, तो इसके रस को निकाल कर इसे उपयोग में लाया जाता है। और इसे तो किसी जानवर से भी खतरा नहीं होता क्योंकि इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है। तो अगर आपके यहाँ है, अगर नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये बहुत ही देखने में भी सुंदर लगता है और हमारे लिए बहुत उपयोगी भी साबित तो होता है। और अगर आपको व्हाइट कलर में भी लें तो आप उसे भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी ये पिंक कलर का ही है तो मैं पिंक कलर की ही बात कर रही हूँ। अगर आपको व्हाइट कलर में भी मिलता है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसमें भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में किसी और प्लांट के बारे में लाऊंगी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास नहीं है तो अपने गार्डन में ऐसा प्लांट लगा सकते हैं। तो थैंक यू।